ऐसा कोई शख्स जो मेरा घर जन्नत तक पहुंचा सके, जो कहना सका उनको जीते, जो कहना सका उनको जीते जी, उनके गुजरने के बाद मेरे दिल के राज बता, उनको दफनाने के बाद, उनको दफनाने के बाद ऐसा कोई गम बता नहीं जो मुझे भुला सके, तब मेरे पीछे कोई करा जो मुझे भुला सके। जिसमें इतना काबिल नहीं था जो उनके रूम में हो रहे बेशुमार दर्द को बता सके, उनका जिसमें इतना काबिल नहीं था जो उनके रूम में हो रहे बेशुमार दर्द को बता सके, कितने बेबस थे, कितने बेबस थे हम कि उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी हम अपना प्यार नहीं बता सके। दुआएं तो अचूक थी हमारी उनके लिए जो उनको बची चुकी जिंदगी या मुकम्मल मौत दिला, दुआएं तो अचूक थी हमारी उनके लिए जो उनको बची हुई जिंदगी या मुकम्मल मौत दिला सके, पर हालात बिगड़ तो हुई मिन्नत है, मिन्नत है जी की उनको अब जिंदगी ना सही लेकिन के रूप को परवरदिगार से मिला सके। बस अब पूछो फिर ऐसा हो जाओ तो मेरा घर चल जाता, सब कुछ अब गुजर कर छोड़ कोई होप नहीं था तब तो डॉक्टर ने बोला कि दुआएं करो कि हम ये रूप को जन्नत तक पहुँचा सके, तो सब कुछ जब गुजर कर छोड़ चुके थे तो शायद कोई चमत्कार दिखा, और वो 12 दिन का गम का सफर, और वो 12 दिन का गम का सफर शायद इसलिए ताकि ऊपर वाला हमें कठोर है। बस अब कुछ सोचता हूँ कि अब कौन होगा उनके जाने के बाद जो मुझ पर मीठी मीठी पाबंदियां रख सके, फादर है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है, सन हो या डॉक्टर हो तो एक बजे फोन आ ही जाता है, तो सोचता हूँ कि कौन होगा उनके जाने के बाद वो मुझ पर मीठी मीठी पाबंदियां लगा सके, और चाहता हूँ वो गम के सफर की शुरुआत से लेकर लिखा होता सब कुछ एक झूठ ही है, और पापा खुद मुझे थप्पड़ मारकर सपने से जगा सके।